तो गाइज अभी हम लोग हैं बनारस में और आप लोग ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, पर मैं आप लोग को आज एक ऐसी मिठाई की दुकान में लेकर आया हूँ जहाँ मिलती है मलाई की पूरी। तो अंकल जी महादेव, सबसे पहले महादेव क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अशोक यादव। अच्छा, और क्या क्या आइटम रहता है आपके पास? हमारे पास रहता है मलाई सैंडविच। अच्छा, मलाई की पूरी। अच्छा, मलाई रबड़ी। अच्छा, काफी यूनिक आइटम है आपके पास। मतलब काफी मतलब अनोखी चीज है जो और कहीं दूसरे शहरों में नहीं मिलती है। बनारस में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, आपके ही मिलता है सिर्फ? आप पूरा यहाँ एरिया घूम लीजिए। हाँ, अनेक मिठाई मिलेगा। अच्छा, बस ये हिसाब का आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्या डालते हैं? पिताजी हमारे, दादा हमारे कला सिखाए हैं। अच्छा, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 80 साल हो गया। अच्छा, हमने आपकी मलाई की पूरी खाई और मजा आ गया खाकर। हाँ, तो अभी तो गर्मी का दिन है। हाँ, तो हमारे कस्टमर कहते हैं कि गर्मी में केसर नहीं छोड़ना। अच्छा, केसर गर्म करता है। हाँ, अभी ये जाड़ा आएगा। हाँ, तभी ये केसरिया हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये प्योर केसर? प्योर केसर। इसको कैसे बनाते हैं, 2 मिनट बताएंगे? जैसे जो मलाई की पूरी होती है, बनाते हैं ना। हाँ, तब आप आइए। अच्छा, आप 2 बजे आइए दोपहर में। अच्छा, यहाँ बनाते हैं उस समय आप उतारिए। ठीक है, ठीक, मजा आ गया। मजा आ गया सही में खाकर। हाँ, तो आप 2 बजे आइए। ठीक है, हम पूरी बनाएंगे आपकी। हाँ, कैसे बनाते हैं? ये क्या है? ये कलाकंद है। कलाकंद है, एक पीस खिलाइए ये भी। ये कलाकंद ये खूबी है ना। हाँ, ये हार्ड गर्मी हो। हाँ, कड़ी गर्मी हो। हाँ, उसके बाद ये 15 दिन बिना पीत का रहेगा। अच्छा, खराब नहीं होगी? नहीं, खिलाने में 2 महीना। अच्छा, घी में बनाई है पूरी? नहीं, ये खाली होली दूध। अच्छा, कुछ भी नहीं, ये खाली दूध है। तो गाइस अभी हम लोग की ये कलाकंद आ चुकी है।